हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करे और मुझे सपोर्ट करे और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। मैं दिखाऊंगी आज का आपको अपना रूटीन, हम आज क्या कर रहे हैं। आज हमारे घर में शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनेगी, जिसको मैं काट ले रही हूँ। यहाँ पे मेरी सिस्टर दुकान से ब्रेड और दूध और चीनी लेकर आ गई है। यहाँ पे दूध और ब्रेड और चीनी है। अब इसको फ्रिज में रखना है, दूध को उबाल के ब्रेड को ऊपर रखना है। और यहाँ पर हम आज सब्जियाँ, अभी शिमला मिर्च काटते हैं तो इसको मैं बीज अलग से निकाल ले रही हूँ। और इसको हम इस तरह से, ये तो खुद ही कट जा रहा है, इस तरह से और इस तरह से थोड़ा पतला पतला काट ले रहे हैं। अब आपको मैं आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी इसके बाद इसका। यहाँ पर हमने आलू और प्याज को छिलना है। अभी प्याज मैंने छिल लिया, अब आलू को धो के लाई हूँ थोड़ा सा हल्का वॉश करके। अब इसके बाद हम आलू को छीलेंगे। यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें मैं तेज पत्ता डाल देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें प्याज और मिर्ची को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर दूंगी। यहाँ पर प्याज मैंने तेल में प्याज और मिर्चा ऐड कर दिया है। अब इसको ब्राउन करेंगे हम। प्याज को हम गोल्डिश करेंगे, गोल्डिश नहीं करेंगे, हल्का सा ब्राउन पिंकिश जैसा कलर कर देंगे। और फिर इसमें अब थोड़ा सा हल्का सा और ब्राउन होएगा, फिर इसमें मैं इसमें सब्जी ऐड करूंगी। थोड़ा सा ब्लर आ रहा था इसमें, हल्का सा और पिंकिश करूंगी। और उसके बाद इसको हम इसमें सब्जी ऐड करके आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद हम इसमें नमक और हल्दी डालेंगे। सिर्फ प्याज हमारा पिंकिश हो गया था तो इसमें मैं अब सब्जी ऐड कर रही हूँ, परवल और आलू। स्वाद अनुसार हल्दी और नमक इसमें मैंने ऐड कर लिया। अब इसको हम मिला लेंगे। आज सिमरन कुकिंग करते हुए किचन में देख सकते हो। और यहाँ पर ये भुजिया तैयार हो चुकी है, अब इसको हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम फ्राइज की तैयारी करेंगे। इसी तरह से हम शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बना लेंगे और इधर हम फ्राइज